स्वागत है, आइए जानते हैं आज की खास खबर। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को नक्सलियों ने भेजा पत्र, दी जान से मारने की धमकी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी को नक्सलियों की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें एक पत्र में जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें उन्हें चुनाव से दूर रहने को कहा गया है। साथ ही धमकी दी गई है कि ऐसा न करने पर उन्हें जान गंवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार शाम उन्हें एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। साथ ही चिट्ठी में हिदायत दी गई है कि वे 23 अप्रैल से 19 मई के बीच झारखंड में ना रहे। 2023 तक देश के नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा, राजनाथ सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि 2023 तक देश के सभी नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। सिंह ने एक चुनावी रैली में कहा कि देश की सुरक्षा के आड़े आ रही विद्रोहियों और आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड से नक्सलियों का लगभग खात्मा हो गया है और राज्य में उनके बचे खुचे क्षेत्र भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। पलामू आरसी संसदीय क्षेत्र पर बीजेपी के निवर्तमान सांसद वीडी राम के समर्थन में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने राज्य में हाथ मिला लिया है, लेकिन वे अपना उद्देश्य हासिल करने में सफल नहीं होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के बराबर कोई दूसरा नेता नहीं है और उनकी तुलना में दूसरे नेता बौने हैं। उज्ज्वला प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन योजना जैसी विकास योजनाओं का ब्यौरा देते हुए सिंह ने कहा कि बीजेपी 2022 तक देश का विकास करने के लिए कृत संकल्पित है और इसका घोषणा पत्र यह दर्शाता है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।